हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन। एक शार्प और स्लिम नोज कैसे पा सकते हैं राइनोप्लास्टी से, अक्सर ये प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, शार्प नोज से जब हम देखते हैं तो अधिकांश लोगों का मतलब होता है कि जो टिप है, नोक है नाक की, वो काफ़ी तीखी है, पैनी है, यानी शार्प है। तो राइनोप्लास्टी में किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक शार्प नोज को क्रिएट कर पाएँ। कुछ बातें ज़रूरी हैं एक शार्प नोज़ के लिए। पहली बात, हमारा जो नोज़ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट नोज़। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारा नोज़ सीधा हो, उसमें कोई टेढ़ापन ना हो। दूसरे, नोज़ की हाइट एडिक्वेट हो, ठीक हो। अगर नोज़ की हाइट कम है तो चपटी नाक होगी, ऐसे में अगर हम टिप पे काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोज़ की हाइट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो दो बातें हमने अभी बोली, एक तो नोज़ का सीधा होना ज़रूरी है, दूसरा नोज़ की हाइट एडिक्वेट और प्रॉपर होना ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर हम टिप पे आते हैं तो टिप जो है वो जो हमारी नोज़ का डॉर्सम है, जो नोज़ की हाइट है, उसके लेवल पे या थोड़ा सा उससे ऊपर होना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो टिप का जो लेवल है वो नोज़ के डॉर्सम से थोड़ा सा ऊपर होना ज़रूरी है। चौथी बात आती है कि जो हमारा नोज़ है, नोज़ के अंदर जो हमारा टिप है, वो टिप हमारा पॉइंटेड हो, ज़्यादा बल्बस ना हो, ज़्यादा मोटा ना हो। तो ये चौथी बात है। और एक बात, जो हमारे एलाज हैं जिसको नथने बोला जाता है नोज़ के, वो ज़्यादा चौड़े ना हों। ऐसा बोलते हैं इंट्रा कैंथल डिस्टेंस, यानी आँखों का जो अंदर का हिस्सा है, उस दर से अगर हम एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो नथने हैं यानी एलाज हैं उसके अंदर अंदर होने चाहिए। अगर हमारे नथने उससे ज़्यादा चौड़े हैं तो हमें एलाप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम मान लें कि बाकी सब ठीक है, यानी आपके एलाज नॉर्मल हैं, आपकी हाइट अच्छी है, नोज़ बिल्कुल सीधी है, सिर्फ टिप के ऊपर अगर हम बात करें तो टिप में दो बातों पे हमें खास ध्यान देना है। नोज़ के टिप में पहली चीज़ जो हमें देनी है, नोज़ की जो टिप की हाइट है वो डॉर्सम के लेवल पे या डॉर्सम से थोड़ा सा ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो टिप है थोड़ी सी पॉइंटेड हो, ज़्यादा बल्बस ना हो, ज़्यादा मोटी ना हो, इस बात को हमें ध्यान देना है। इसके लिए हम दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। टिप की हाइट बढ़ाने के लिए हम कॉलमनर स्ट्रट ग्राफ या सेप्टल सेप्ट एक्सटेंशन ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये दो ग्राफ्ट्स को इस्तेमाल करके हम जो टिप की हाइट है उसको बढ़ा सकते हैं। टिप को पैना करने के लिए हम टिप प्लास्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्पेशल टांके यानी सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो हमारी टिप है उसको पैना किया जाता है। एक चीज़ और जो हमें ध्यान में रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है नोज़ के अंदर, नाक के अंदर, तो हम उस चर्बी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। और सर्जरी के बाद भी कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, जैसे रेटिनॉइड्स हैं जिनको हम ओरली देते हैं, ताकि जो बल्ब जो सबेशियस ग्लैंड हैं वो कम हो सकें और जो एक्सेस चर्बी है नाक की वो कम हो सके, लेटर ऑन टिप ज़्यादा बेटर हो सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों का नाक का स्किन यानी चमड़ी मोटी है, उनमें रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं कंपेयर टू वो लोग जिनकी नाक की स्किन पतली है। यानी पतली स्किन के अंदर टिप प्लास्टिक के रिजल्ट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी दिखाई देंगे, और जिनकी स्किन मोटी है, चमड़ी मोटी है नाक की, उनमें रिजल्ट कम आते हैं, उतने ऑब्वियस नहीं होते हैं जितने पतली चमड़ी के लोगों में होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें राइनोप्लास्टी को अपना प्लान करना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर्स आपकी राइनोप्लास्टी में किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।